नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मार्कर मार्कर हमारे पास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा थ्योरी में। ये आपकी GS हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच जो मैंने स्टार्ट मतलब किया हमारी पूरी टीम के द्वारा मिलकर, इसका जो है ये आपकी क्लास नंबर है यानी डे है 6। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से मतलब पढ़िए, अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से इसको हमें करना है ताकि अच्छे अच्छे नंबर या अच्छे अच्छे मार्क्स हमारे आ सके। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेस्ट बेटे मंडे कर दिया हमने शिफ्ट। ठीक है, टेस्ट आपको ऑन मंडे या क्वेश्चन वगैरह स्टाफ से रेडी नहीं हो पाए तो मैंने सेंड किया था, तो टेस्ट आपका होगा मंडे। तो टेस्ट में अब इसके भी क्वेश्चंस आप ऐड कर लेना जो आज हम कराएंगे, ये चैप्टर भी आप रिवाइज कर लेना, इसके भी क्वेश्चन शामिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। लाइक द बटन, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखो, मौर्य साम्राज्य की जब हम शुरुआत करते हैं मौर्यन एम्पायर की, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल बात बताऊंगा आपको। तो मौर्य एम्पायर जो है आपका मौर्य साम्राज्य, ये 323 BC to 185 BC हुआ है। 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्य रहा है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आपको याद ये हो जाना चाहिए। ठीक ठीक, एक तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज का करंट अफेयर बेटा नहीं हो पाया, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, बिल्कुल अभी अभी मतलब स्टूडियो में एंट्री की है, उस टाइम तक बेटा मैं पहुंच नहीं पाया था 8 बजे तक, इसलिए हम लेंगे कल। आज का और कल का जो भी करंट अफेयर छूटा है उसे सीधे लेंगे कल। 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, लेकिन जिस समय मौर्य स्थापित हो रहे थे उससे पहले ही अलेक्जेंडर या सिकंदर मतलब हिंदुस्तान में आया था। तो हमें अलेक्जेंडर के बारे में अवश्य कुछ बातों को पढ़ना चाहिए। जैसे देखो, अलेक्जेंडर ने इंदस यानी सिंधु नदी को पार किया था 326 ईसा पूर्व में, 326 BC में। ठीक है, और फिर अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। किसके साथ? पोरस के साथ। तो यहीं आप मतलब लिख लीजिए, अलेक्जेंडर फॉट वन फेमस बैटल, सिकंदर के द्वारा एक बहुत ही मशहूर लड़ाई लड़ी गई। तो हम अभी मौर्यों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जरा पढ़िए सिकंदर अलेक्जेंडर। आपको पता था ग्रेट अलेक्जेंडर, महान सिकंदर, तो वो था बैटल ऑफ हेदास्पस। हेदास्पस की लड़ाई, किसकी लड़ाई? हेदास्पस की लड़ाई। ये हुई 326 BC, 326 ईसा पूर्व में। हेदास्पस वॉज द ओल्ड नेम ऑफ झेलम, झेलम का पुराना नाम हेदास्पस था, और ये लड़ाई पाकिस्तान में हुई थी। आज के समय में हेदास्पस जो मतलब एक क्षेत्र भी है, और ये लड़ाई जो हुई थी ये पाकिस्तान में हुई थी। वेरी गुड नेत्रम मीना जी, आप आराम से लिखते जाइए, सब समझ में आएगा। एक तरफ तो था अलेक्जेंडर, साथ साथ लिखोगे तभी फायदा है, मतलब सिकंदर, और एक तरफ था पोरस। पोरस उस समय का पंजाब या पाकिस्तान वाला जो पंजाब का रीजन है वहां का शासक, और अलेक्जेंडर सिकंदर मैसेडोनिया का शासक। कहां से आया था अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर? तो मैसेडोनिया से आया था। ठीक है, मैसेडोनिया से आया था, मैसेडोनिया। आप बेटा मुझसे मिलने आ रहे हैं, कहां मिलना है? तो आज बेटे ठीक आप मिल जाइएगा,
5:15 5:15 पर 5:15 पर रैंकस गुरुकुल के ऑफिस, ठीक है ना, बत्रा सिनेमा के पास। तो एक तरफ पोरस और एक तरफ सिकंदर। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का। और इससे पहले हम आगे बढ़े तो आपको थोड़ा मैसेडोनिया दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यूरोप का मैप है, और यूरोप के मैप में ये ग्रीस के ऊपर, यानी आज के समय में जो देश है आपका ग्रीस, पुराना नाम यूनान, इसके ऊपर एक रीजन है मैसेडोनिया, ठीक है। मैसेडोनिया का मैं हुआ था सिकंदर का जन्म, और ये यहीं का शासक था। हालांकि पूरा क्षेत्र इसने कर लिया था, यूनानी शासक के नाम से भी इसे जाना गया है। यहीं से होते हुए टर्की टर्की वर्की होते हुए ये हिंदुस्तान मतलब पहुंचा। तो सिकंदर अगर पूछा जाएगा कहाँ से आया था, तो मैसेडोनिया से आया था, ठीक है। यहाँ ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एलेक्जेंडर केम टू इंडिया फ्रॉम मैसेडोनिया। इस लड़ाई में विनर विजेता कौन हुआ, मतलब कौन जीता? तो लिख लीजिए एलेक्जेंडर सिकंदर। एलेक्जेंडर वॉज द विनर, सिकंदर इसमें जीत गया, ठीक। अच्छा, इसमें जीता तो सिकंदर, लेकिन दिल जीता किसने? पोरस ने। पोरस ने इतनी बहादुरी के साथ यह युद्ध लड़ा कि पोरस ने दिल जीत लिया सिकंदर का। सिकंदर ने कहा, मैंने अपने जीवन में वीर योद्धा यानी कि बहादुर तो बहुत देखे, लेकिन कभी तुम जैसा बहादुर नहीं देखा मैंने पोरस, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और तुम्हें ये जीता हुआ क्षेत्र वापस कर देता हूं, ठीक है। बैटल ऑफ हिदास्पस जो हुई थी वो ये देखो, मैं एक बार आपको फिर मैप के माध्यम से दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये पूरी की पूरी हिदास्पस रिवर है, ये हिदास्पस नदी है। हिदास्पस बोले तो ये झेलम रिवर है, झेलम को ही हिदास्पस कहते थे। यहाँ से एलेक्जेंडर आया, सिकंदर आया, और यो होते हुए सिकंदर गया, ठीक है। और यहाँ कहीं ये बैटल फील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ हिदास्पस 326 BC यानी कि 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इस लड़ाई को जीतने के बाद एलेक्जेंडर मूव्ड टुवर्ड्स ब्यास रिवर। सिकंदर ब्यास नदी की ओर बढ़ा, लिखते चलिए। एलेक्जेंडर मूव्ड टुवर्ड्स ब्यास रिवर, सिकंदर ब्यास नदी की बढ़ा। बट हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू क्रॉस ब्यास रिवर, लेकिन इसकी आर्मी ने, इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने से मना कर दिया, नदी को पार करने से मना कर दिया। तो इसके सैनिक जो होंगे वो नदी को यानी कि रिवर को पार करने से मना कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं भैया, हम ये नदी पार नहीं कर सकते। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रीजन दिया। किसी ने कहा कि बहुत थकावट हो गई है भाई, बहुत थक गए थे। किसी ने कहा बड़े बड़े हाथी देख के परेशान हो गए तो वापस लौट गए। किसी ने मतलब कहा कि नहीं भाई, इतनी बड़ी सेना कभी देखी नहीं थी इसलिए वापस मतलब लौट गए। सबका अपना अलग अलग मतलब रीजन है। तो जब एलेक्जेंडर यहां से लौटेगा तो सिकंदर हैड डाइड इन 323 BC। सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व में हो जाएगी। कहां पर आपसे मतलब पूछा जाएगा, कहां पर सिकंदर की मौत कहां पर हुई, प्लेस स्थान? तो बेबीलोन। बेबी डॉल मत लिख लेना कि बेबी डॉल में सोने की, बेबीलोन। सिकंदर की मौत बेबीलोन में हो गई थी, बेबीलोन। बेबीलोन बोले तो ये आज का बगदाद है। ये क्या है, ये आज का बगदाद है। बेबीलोन क्या है, आज का बगदाद, इराक की कैपिटल। ठीक है, बेबीलोन। पीडीएफ कहां मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है, वहां इसकी मतलब मौत हो गई थी सिकंदर की, अलग अलग का, किसी ने कहा प्रेमिका ने जहर दे के मार दिया, किसी ने कहा कि नहीं सिकंदर को बुखार आ गया था, दिमाग के ऊपर चढ़ गया था, इसलिए सिकंदर की मौत हो गई। यही आपके इस पीपीटी पीडीएफ में सब कुछ मतलब लिखा हुआ है, जैसे आप आराम से मतलब देखें। देखो एलेक्जेंडर वॉन्टेड टू कंटिन्यू हिज एडवांस बट हिज सोल्जर्स म्यूटिनाइड और रिफ्यूज टू गो बियॉन्ड हेफेसिस रिवर, यानी कि ब्यास रिवर। तो यूनानियों के लिख लेना साहित्य में या उनके टेक्स्ट में उनकी किताबों में, ठीक है ना, ब्यास नदी को लिखा गया है हाइफेसिस। क्या लिखा गया? हाइफेसिस, ठीक है। एलेक्जेंडर बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई थी, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया या बेबीलोन में ये मर गया था, ठीक। अच्छा, बाकी के जो इसके साथ थे मैसेडोनियंस, यानी कि बाकी के सैनिक, इन्हें ग्रीक पहुंचने में या फिर मैसेडोनिया पहुंचने में 316 बीसी लग गए थे, यानी 316 ईसा पूर्व तक या 316 बीसी तक ये पहुंच पाए थे। बुद्धिज्म का नोट्स नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बेटे उस बैच में देखिए जिस तारीख को वो क्लास लिए, उसको आप देख लीजिए, बुद्धिज्म का नोट होगा। फिर भी ना हो तो मुझे बताओ, मैं आज ही दोनों नोट्स एक साथ भेज दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाकी आप टेलीग्राम GS बाय दीपक शर्मा के नाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर के घोड़े का नाम बताइए। ये देखो, ये था सिकंदर का घोड़ा। क्या आपको पता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? हॉर्स ऑफ द एलेक्जेंडर कौन बताएगा? जैसे कि महाराणा प्रताप सिंह जी के घोड़े का नाम था चेतक और उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद, ऐसे ही एलेक्जेंडर के घोड़े का नाम था, लिख लीजिए, बुसेफिलस। बुसेफिलस, एलेक्जेंडर यानी के सिकंदर का घोड़ा बुसेफिलस, सिकंदर का घोड़ा था बुसेफिलस। अबे भुक्का फेला नहीं उदय, बुसेफिलस। क्या नाम था सिकंदर के घोड़े का नाम? हॉर्स बुसेफिलस, बुसे फेलस, बुसेफिलस। अदिति यादव जी, इतना लंबा मैसेज लिखोगे तो बेटे कौन पढ़ेगा मेरे बच्चे। चल, उसके बाद आया मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य का फाउंडर संस्थापक रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनका फाउंडर संस्थापक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो रूल किया वो 323 बीसी से लेकर 298 बीसी, यानी कि 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, लिख लेना, फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, भारत का पहला राजा। अगर अखंड भारत का कोई पहला राजा कहा गया है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है, फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया। अखंड भारत का पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। या पूरे हिंदुस्तान का पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य था, लिख लेना, दलित। कौन था? ये था दलित। तो फर्स्ट दलित रूलर, भारत का पहला दलित शासक भी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मूरा ट्राइब से था, ये मूरा नामक जनजाति से संबंध रखता था। कौन सी ट्राइब? मूरा ट्राइब। ये मूरा नामक जनजाति से संबंध रख, सब पीपीटी से नहीं पढ़ाइए सर जी। अच्छा, जब वैसे पढ़ाओ तो बोलते हो कि सर पीपीटी से पढ़ाओ, और जब कहते हो सर पीपीटी से पढ़ाते हो तो कहते हो वैसे ना पढ़ाओ। पहले बेटे आपस में तुम सब मिलकर तय करो किसमें पढ़ाना है, फटाफट जरा वोट करें किस किस में पढ़ाना है, जल्दी कमेंट करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कैसे भी पढ़ा दूंगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो लिखा है डिफीटेड, एक्चुअल में हराया नहीं था, हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि हराया था, लेकिन एक्चुअल में हुई थी संधि, समझौता हुआ था, एक संधि हो गई थी सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर जो एलेक्जेंडर था, जो सिकंदर, उसी का ही सेनापति था। किसका सेनापति था? एलेक्जेंडर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर को तोहफे में 500 हाथी दिए थे, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। 500 हाथी तोहफे में मतलब थिए थे, कितने थिए थे? 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। बदले में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा अफगानिस्तान सौंप गया था, ठीक है, पूरा का पूरा अफगानिस्तान।
सेल्यूकस निकेटर की थी एक बेटी, उसके साथ इसकी शादी हो गई थी। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था हेलेना, और हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गई थी। हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गई, यानी चंद्रगुप्त मौर्य अब सेल्यूकस निकेटर का दामाद बन गया है। लोकल भाषा में बेटा बोले तो बटेऊ मेहमान, जो कुछ भी भाई जहां चलता हो जमाई बाबू, ये बन गया, ठीक है। मेगस्थनीस एक ग्रीक स्कॉलर था, एक यूनानी अगर हम बोले तो, एक स्कॉलर विद्वान था और एक ग्रीक एम्बेसडर था। यूनानी ये था राजदूत, कौन था? यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, ठीक। तो मेगस्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस। मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, एक यूनानी राजदूत था। एक तो आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। मेगस्थनीज ने किताब लिखी थी एक बुक, उस किताब का नाम था इंडिका, और इंडिका में भी मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। चलिए पढ़ते हैं जरा। सर ऐसे नहीं आ रहा, आपके अंदाज में पढ़ाते हो तो अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तो आज बेटा पीपीटी से पढ़ लो, आज के बाद बेटा मैं अपने हाथों से पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा पांचवी क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है, आज मैं इसका पीडीएफ और पांचवी यानी के बौद्ध धर्म का एक साथ आपको भेज दूंगा। सर आप जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाइए, ठीक है बेटा, ठीक है। इंडिका नामक किताब लिखी थी किसने? मेगस्थनीस के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य ने भी एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, कौन सी किताब लिखी थी अगर आपसे मतलब पूछा जाए तो? अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी गई थी। अर्थशास्त्र आप लिख लेना, फर्स्ट बुक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड, ये विश्व में प्रशासन के ऊपर पहली किताब रही। अगर किसी ने पहली पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ लिखा यानी प्रशासन के ऊपर कुछ लिखा तो वो था आपका कौटिल्य। ऐसे ही इंडिका भी जो किताब थी ये भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के ऊपर ही एक किताब थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी में जैनिज्म को अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, और ये श्रवणबेलगोला चला गया था, वेंट टू श्रवणबेलगोला। और ये वाली बात मैंने जैनियों में भी बेटे आपको बताई थी कि भद्रबाहु जो कि जैन स्कॉलर थे, एक जैन धार्मिक गुरु थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे गुरु, ठीक है, भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ संलेखना के साथ अपनी मौत को प्राप्त किया, अपने शरीर को त्याग दिया संलेखना के साथ। संलेखना का मतलब होता है धीरे धीरे खाना छोड़ देना और शरीर को त्याग देना, ऐसे हम संलेखना कहते हैं। और संलेखना जैन धर्म से संबंधित है, ये जैनियों से संबंधित है संलेखना। संलेखना को सांथारा भी कहा गया है, संलेखना इज ऑल्सो कॉल्ड ए सांथारा, यानी धीरे धीरे इच्छा मृत्यु को संलेखना या सांथारा कहते हैं। मॉक टेस्ट बेटे मंडे होगा, मंडे के लिए बड़े ट्रांसफर कर दिया गया आपका पहला मॉक टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज यूनाइटेड। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पहली बार संपूर्ण उत्तरी भारत एकजुट हुआ। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जाता है, करा देंगे अभिजीत रे, पहले जो पढ़ा रहे बेटा वो पढ़ लो मेरे बच्चे, ठीक है। चलो फिर आप देखो, चंद्रगुप्त के मार उसका बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार ने रूल किया 298 से लेके 272 बीसी, 298 से लेके 272 बीसी। बिंदुसार वाज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त, और बिंदुसार ने सीरिया का जो शासक था एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है, एंटियोकस प्रथम, इसको कहा था कि कुछ स्वीट वाइन यानी कुछ बढ़िया सी मीठी सी वाइन, मीठी सी शराब आप यहां हिंदुस्तान भेज दीजिए अपने यहां की, मुझे टेस्ट करनी है, मुझे चखनी है भाई। तो एंटियोकस ने बड़े ही प्यार से, ठीक है, टू सम वाइन ड्राइड फिग्स एंड सोफिस्ट, तो एंटियोकस ने मतलब भेज दिया बहुत ही मीठी मीठी वाइन या शराब या
जो भी उसने मंगाया, लेकिन प्यार से मतलब कहा कि हुजूर माई बाप महाराज, ग्रीक फिलोसोफर जो है यानी कि यूनानी दर्शन शास्त्रीय विद्वान जो है वो नॉट फॉर सेल, ये बिकाऊ नहीं है, इसलिए आपकी मांग है इसलिए हम भेज दे रहे हैं, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। बिंदुसार ने अपने पूरे जीवन काल में आजीविका को अपनाया था। आजीविका का भी संबंध जैनिज्म जैन धर्म के साथ है। इसमें क्या होता है कि भाई साधारण जीवन उच्च विचार यानी कि राजा होने के बावजूद भी बिंदुसार एक आम आदमी का जीवन जिया करता था। अच्छा, बिंदुसार से आपका क्वेश्चन बनता है लिखना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के समय में ही एंटायर पेनिनसुलर इंडिया वॉज एक्वायर्ड, पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत जीत लिया गया, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत तो आप समझते हो यानी कि ऐसा भाग जो तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है, यानी कि नीचे वाला इंडिया या फिर नीचे वाला भारत, पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया को जीत लिया गया। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। पहली बार ऐसा ऐसा मतलब हुआ, एक्सेप्ट कलिंगा रीजन, बस ये कलिंग क्षेत्र को नहीं जीत पाया था, एक्सेप्ट कलिंगा रीजन, बस ये कलिंग क्षेत्र को नहीं जीत पाया था। कौन सा क्षेत्र नहीं जीत पाया था? कलिंगा, ये था कलिंगा। आप इस मैप के माध्यम से समझ गए होंगे कलिंगा आज के समय में कहाँ है, उड़ीसा में है। हिंदी में कलिंगा को हम लोग कहते हैं कलिंग, एंड कलिंगा की कैपिटल राजधानी होती थी तोशाली, तोशाली वॉज द कैपिटल, तोशाली कलिंग की राजधानी थी। तो कलिंग को नहीं जीत पाया बिंदुसार, लेकिन सबका बदला लेगा फैजल। कलिंग को अशोक भी नहीं, सॉरी कशोक, कलिंग को चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाया था, कलिंग को बिंदुसार भी नहीं जीत पाया था, और कलिंग को बिंदुसार भी नहीं, लेकिन अशोक जीतेगा। ठीक है, अरे बेटा कोई नहीं, आज आप फिफ्टी से पढ़ो, कल से मैं फिर किसी और से पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम बना लिया इसलिए बेटा मैं साइड में हो गया था। चलो कोई नहीं राहुल, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास से अपने हाथों से पढ़ाऊंगा, पीपीटी से नहीं। पिछली क्लास से तो पीपीटी में ली थी ना, अलग खुद ही तो कहते सर पीपीटी पीपीटी पीपीटी, क्या पीपीटी पीपीटी का छोड़ तो ऐसा हो गया जैसे टीचर, तो टीचर की तो किसी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पीडीएफ और बेटे पीपीटी की आवश्यकता है बस। है एक काम करता हूँ कि पीपीटी ही बेटे भेज देता हूँ, टीचर तो चाहिए चाहिए नहीं, है ना, बस सिंपल सी बात है। समझ गए? तो ये आप मतलब देखो, ये पेनिनसुला ध्यान से देख लीजिए, पेनिनसुला आपका गलत नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना। हाँ हाँ पढ़ो ना बेटा, अब देखो ध्यान से जरा तुम मतलब इस बात को देखना। अब बिंदुसार तो बेचारा चला जाएगा, लेकिन इसके बाद आ जाएगा अपना राजा अशोक। कौन आ जाएगा? अपना राजा आ जाएगा सम्राट अशोक, महान अशोका। तो सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बेटे आपका आया मतलब बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आपका आया है अशोक। अशोक हमारा रहा 272 BC, यानी कि 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा